नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोल्टिस किचन में। आज हम बनाएंगे बूंदी वाला रायता। चलिए शुरू करते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने एक कटोरी दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से दही को फेंट लेते हैं। अब इसमें पानी मिलाएंगे। एक कटोरी दही के लिए मैंने 1.5 कटोरी पानी मिलाया है। आपको जैसा गाढ़ा बनाना हो, पतला बनाना हो, वैसे आप पानी मिला सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से और मिला लेंगे। 1 कटोरी बूंदी ली है, बूंदी को भी इसमें मिला लेते हैं अच्छे से। अब इसमें 2 चम्मच रायते वाला मसाला मिलाएंगे। ये मैंने रेडीमेड रायते वाला मसाला यूज़ किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे 15-20 मिनट ढककर रख देंगे ताकि बूंदी अच्छे से फूल जाए और बूंदी का स्वाद इसमें उतर जाए। देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं, बूंदी अच्छी तरह से फूल गई है। इस तरह से आप भी बूंदी वाला रायता बनाइए, बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और तैयार है बूंदी वाला रायता। इस तरह से आप भी बूंदी वाला रायता बनाइए और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट द्वारा बताइए।